एनएमपीएस पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में टीकमगढ़ जिले के समस्त विभागों के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने आज अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर अस्पताल चौराहे पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की और प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीकमगढ़ कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जानकारी देते हुए सुनील खरे ने बताया कि समस्त कर्मचारियों की पहली मांग है कि 1 जनवरी 2005 से बंद मध्य प्रदेश के समस्त पुरानी पेंशन विहीन अधिकारियों कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन नियम 1976 के अनुसार जस की तस पुरानी पेंशन बहाल की जाए। साथ ही नवीन शैक्षणिक संवर्ग में पेंशन ग्रेजुएटी क्रमोन्नति अन्य लाभ के लिए वरिष्ठता प्रथम नियुक्ति दिनांक से शिक्षा कर्मी संविदा शाला शिक्षक गुरुजी मान्य किए जाए और उनकी दूसरी मांग है कि मध्य प्रदेश के समस्त गुरुजियों की नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जाए। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? निधि पुरोहित। निधि पुरोहित। हम यहाँ पे सभी भाई बहन शिक्षक संघ और सभी संघ मिलकर केवल एक सूत्री कार्यक्रम है अभी तो केवल पुरानी पेंशन बहाली, साथ में हम लोगों की जिस डेट से वरिष्ठता मिलनी है उस डेट से वरिष्ठता मिल जाए और पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। आगे हम लोग 3 तारीख को भोपाल में मिलकर करेंगे आंदोलन, सभी साथी विशाल आंदोलन है। अगर हम लोगों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो सभी लोग भोपाल में विराट आंदोलन, सभी पूरे मध्य प्रदेश से सभी साथी लोग मिलकर भोपाल में करेंगे, सम्मिलित होंगे विशाल आंदोलन। आज प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर संपूर्ण मध्य प्रदेश के 52 जिलों में आज एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हम लोगों की एकमात्र मांग पुरानी पेंशन बहाल हो और नियुक्ति दिनांक से हम सभी को वरिष्ठता मिले। इस मांग का हम लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है और 3 तारीख को भोपाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के 6.5 लाख कर्मचारी वहाँ अपनी आवाज बुलंद करेंगे अपनी पुरानी पेंशन के लिए। आपके साथ कितने संगठनों के लोग हैं? आज हमारे साथ टीकमगढ़ के कई संगठनों के लोग जैसे विद्युत मंडल, वन विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत स्वास्थ्य विभाग और शिक्षक संघ ये सभी लोग हम लोगों के साथ आज शामिल हुए हैं और सभी ने एक साथ एक आवाज में यही कहा है कि हम सबको पुरानी पेंशन के लिए अपनी आवाज बुलंद करना है और हर हाल में पुरानी पेंशन प्राप्त करना। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।